नमस्कार, मैं हूं कुमार सवीर और देख रहे हैं आप दुलत्ती। आज नवरात्र का पहला दिन शुरू होने जा रहा है। नवरात्र का मतलब स्त्री के विभिन्न रूपों की व्याख्या, उनका प्रदर्शन, उनका दर्शन और पुण्य लाभ। लेकिन किस औरत के लिए, आइए हम आपको बताते हैं। दरअसल BHU के छात्र संघ अध्यक्ष रह चुके हैं चंचल जी ने हमें कुछ अद्भुत जानकारी बताई, जिनमें खास बताया कि स्त्री का जमना और उखड़ना कैसा होता है। जी हाँ, भोजन को लेकर के औरत को देखने का, उसका दर्शन करने का अपने आप में एक अद्भुत अनुभव करा देते हैं चंचल जी। चंचल हमें बता रहे हैं कि कैसे कोई औरत धान की ब्याड़ की तरह बोई और फिर उखाड़ करके फिर बोई जाती है, और किस तरह औरत को गेहूं की तरीके से जमाया और बोया जाता है। लेकिन इन पूरे उखड़ने, उजाड़ने और बोने की प्रक्रिया में औरत कहाँ होती है, भारतीय मन की महिला को देखना हो, समझना हो भारतीय मन की, तो इसके दो हिस्से, एक है रोटी वाली और एक चावल वाली। तो ये जो रोटी वाली औरत है, ये इसको तमाम सारे सिचुएशन ने दबा के रख दिया है और ये उभर नहीं पा रही है। यहाँ तक कि ये हंसना तक नहीं जानती, जिसको बोलते हैं खुल करके हंसना। इसकी कई स्थितियाँ हैं। रोटी वाली और चावल वाली केवल इसलिए नहीं कि कार्य क्षमता के ही फर्क पड़ता है। चावल बनाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता, और कहते हैं ना कि हांडी के एक दाना ही बता देता है कि चावल हो गया है कि नहीं। लेकिन रोटी के साथ उल्टा है, हर रोटी अलग अलग टेम्परेचर पर जाती है। अगर एक भी रोटी जल गई तो नतीजा आप जानते हैं क्या होता है, कि रोटी खाने वाला आदमी जो उसका पुरुष है, वो थाली समेत पूरा थाली उस औरत के मुंह पे मारता है और कहता है कि ये जली रोटी खाने के लिए बैठे हैं। इसके ऊपर बहुत सारे ऐतिहासिक कारण हैं कि हमारे जो हमले हुए हैं खैबर दर्रा के ही रास्ते से हुए हैं, हमारे ऊपर और हमले कहीं से नहीं हुए। अंग्रेज आए हैं तो कलकत्ता वाले रास्ते पुर्तगाल से भले आए, लेकिन जो बाकी हमको डिप्रेशन मिला है वो मिला है इसी हिस्से से, ये जो हिंदी बेल्ट है। और इसमें महिलाओं के ऊपर ज़्यादा अत्याचार हुए, नतीजा हुआ कि पर्दा सिस्टम आ गया। जबकि हमारे मिथकीय जो करेक्टर्स हैं, चाहे वो द्रौपदी हो, चाहे शकुंतला हो, वगैरह वगैरह जो भी रही हैं, ये सब हिंदी बेल्ट के हैं। और हिंदी बेल्ट में इनकी दमदारी बहुत ज़बरदस्त है। इवन रामायण काल में कैकेयी युद्ध के मैदान तक जाती है, उसका भी विवेचना। लेकिन हम आहिस्ता आहिस्ता जा करके हम डंप हो गए और हिंदी बेल्ट की जो महिलाएँ हैं ये रोटी तक महदूद हो गई। अब दूसरी चीज़, ये पर्दा सिस्टम, जितना पर्दा सिस्टम हिंदी बेल्ट में है उतना चावल वाले बेल्ट में नहीं है। रोटी वाले बेल्ट में जिस तरह से, जब तक वो खूबसूरत रहेगी, जवान रहेगी, तब तक नहीं। इसको हिंदी बेल्ट में रखेंगे या चावल उत्पादक क्षेत्र और गेहूं उत्पादक क्षेत्र के तौर पर, दोनों का बड़ा दिलचस्प मामला है कि दो के दोनों में ही भाषा वहाँ से उलट जाती है। हिंदी बेल्ट केवल रोटी तक ही महदूद है, और चावल से आपके अनेक भाषाएँ निकल आती हैं, जिसमें कन्नड़ है, मलयालम है, मैथिल है, बंगला है, उड़िया है, ये सब हिंदी बेल्ट नहीं है। हिंदी बेल्ट में आप यहाँ खड़े हैं। तो ये जो हमारा सिस्टम है, ये दो तरह की औरतें आई हैं मैदान में, और उसकी वजह से हमको बड़ी दिक्कत हो रही है। आज भी आप देखें तो जितना खिल करके, जितना खुल करके चावल वाली महिलाएं पार्टिसिपेट करती हैं सामूहिकता के जीवन दर्शन में, उतना हिंदी बेल्ट का नहीं है। चाहे गुजरात से होते हुए हमने महाराष्ट्र या दक्षिण की तरफ से होता है, उधर असम और नॉर्थ ईस्ट तक निकल जाइए। इतना ही नहीं, वहाँ तो द्रौपदी के सिस्टम लागू है, कि वो अपने पति को नौकर की गुलाम बना कर रखती है। इवन आप दार्जिलिंग में देख लीजिए, इवन आप मेघालय में जमीन पर उनकी उनका मालिकाना हक है उनका। तो ये जो हमारा सिस्टम है वो यहाँ पर पलट करके रख दिया रोटी बेल्ट ने। नतीजा ये हुआ कि डिस्पैरिटी में हम इतनी ज़बरदस्त दूरी पर खड़े हो गए कि चावल वाली महिला का मुकाबला हिंदी बेल्ट नहीं कर पा रहा है। तो मतलब बेलो नहीं, गोला बनाओ। जी जी, बेलो। जी हाँ, ये देवियों का एक नया अंदाज है देखने का, सुनने का, पूजने का और उनकी आराधना करने का। अगली बार फिर किसी दूसरे मसले पर कुछ नए लोगों के साथ और नए माहौल में हम फिर हाजिर होंगे। तब तक कुमार सवीर को दुलत्ती के लिए इजाजत कीजिए। आपसे गुजारिश सिर्फ इतनी है कि आपको अगर हमारे इस चैनल का कंटेंट पसंद आया है, ये चैनल की खबरें आपको पसंद आ रही हैं, तो कृपया
हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए और उनको बताइए कि दो लत्ती ऐसे लगाई जाती है।